की लेना है बाजार बाजार मैं तो किसी मिलन आई है ओह माय गॉड तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। क्या नाम है? आइजिक। आपका? वाइस। ये क्या था? कुछ ख्वाब सुहाने टूट गए, कुछ यार पुराने रूठ गए, कुछ दाग लगे थे चेहरे पर, कुछ अंदर से हम टूट गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सा सलीम। आज हम बाज़ार में आए हैं और लोगों से मज़े मज़े के सवाल करेंगे ईद के हवाले से। क्या उन लोगों ने ईद की शॉपिंग की या फिर नहीं की, महंगी की, सस्ती की, आइए आवाम से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम तानिया। तानिया माशाल्लाह अच्छा नाम है। क्या करती हैं? मैं ये जो आपके सामने खड़ी हूँ लेकर, ये खाने वगैरह बनाना, दही बल्ले लगाए हुए हैं। आज रमज़ान है, रमज़ान में दही बल्ले ज़्यादा खाए जाते हैं, बिरयानी बहुत ज़्यादा चल रही है, सालन वगैरह चल रहे हैं, सब चीज़ें रखी हुई मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी देर से ये काम कर रही हैं? तकरीबन मुझे ये 5वां साल लगा हुआ है। माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि काम के साथ साथ कोई रमज़ान के हवाले से बताएं कि रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? मैं रोज़ों के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि मैं तो रोज़े रख रही नहीं हूँ, कि मेरी अभी भी बहुत तबीयत ख़राब है, ये मेरे पांव सारे सूजे में और मुझे बीपी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको इंटरव्यू देते हुए भी ना मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो वो आपकी खुशी के लिए मैंने ये 2-4 बातें करने के लिए आपको टाइम दे दिया, वरना हाँ शुक्रिया। अच्छा मुझे एक छोटा सा सवाल करना है, ईद की शॉपिंग कर लिया आपने? ईद की शॉपिंग तो मैंने नहीं की, इसलिए कि हालात इतने ख़राब हैं, लोगों के हालात ख़राब हैं। जब लोगों के हालात ख़राब होंगे तो वो खाना किस तरीके से खाएंगे? जब वो खाना नहीं खाएंगे तो हमारी सेल भी नहीं होगी, जब हमारी सेल नहीं होगी तो हमारी ईद कैसे होगी? हमारे भी जो बच्चे हैं और हमारे भी कुछ पैगाम देना चाहें मरियम साहिबा को? मरियम साहिबा को तो मैं बहुत स्पेशल पैगाम दूंगी कि मुझे तो बड़ी खुशी की बात, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो वज़ीरे आला बन गई हैं। बल्कि मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि आपको पैगाम नहीं देना, बल्कि आपको मैं दावत दूंगी कि आप मेरे स्टॉल पर आएँ और यहाँ पर आके ना मेरे से बात करें, मेरा हौसला अफजाई करें। और मुझे तो उनके आने की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, इसलिए कि औरत जो है वो औरत की तकलीफ़ को समझती है। तो मैं तो सिर्फ उनको यही पैगाम दूंगी, बराए मेहरबानी आप मेरे पास आए और मेरी तकलीफ़ों को शेयर करें। मैं आपके होते हुए मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं इस चौराहे पे खड़ी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई छत है, ना मेरे पास कोई छोटा सा कोई जगह नहीं है बैठने की। यहाँ मुझे लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है कि इंतहा से ज़्यादा। बारिश आती है तो फिर हम लोग इधर उधर भागते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो उनको मेरा ये ख़ास तौर पर पैगाम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। फिस भी किया हुआ कि मुझे लग रहा है? नहीं किया हुआ, अभी नमाज पढ़ गया। माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं सारे? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रोजे रखे हैं? अभी 18 हुए हैं। 18 हुए हैं, तो आपने कितने रखे हैं? 18 पूरे हैं। 18 पूरे रखे हैं माशाल्लाह। ईद की तैयारियां कैसी जा रही है? बस ठीक है, थोड़ी थोड़ी बच्चों की कर ली है शॉपिंग। कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेगमें कितनी है? एक बेगम एक ही होती है, वो कौन सी ज्यादा? नहीं बेगम एक तो नहीं होती, लोगों को 4-4 होती हैं। नहीं मैंने एक ही शादी की। एक ही किया, दूसरी नहीं करनी? अगर आपको ऑफर मिले दूसरी शादी की तो क्या करेंगे? नहीं करूँगा। नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? पहली बीवी नहीं, बस पहली बीवी कुट देती है। नहीं नहीं वो कुटने वाली बात नहीं है, वैसे ही मैं दूसरी शादी में भरोसा नहीं करती। बीवी की और बच्चों की शॉपिंग कर ली है आपने, अपनी भी कर ली है? अपनी अब कर लेंगे 1-2 दिन में, अपनी दिल नहीं करता। हाँ कर लेंगे, एक आधी 2 चीज़ें लेंगे बस। क्या क्या लेना है? एक तो पेंट शर्ट ले लेंगे, एक सुहागमीज बस पहनने के लिए। आप पेंट शर्ट भी पहनते हैं? जी। वाह क्या बात है, लगता नहीं है आप सादा से लग रहे हैं मुझे। नहीं मैं पेंट शर्ट, मैं काम करता हूँ ज्वेलरी शॉप पे, सेलमैन हूँ मैं, ये इधर लसी प्लाजा में। तो वो उधर अलाओ है क्योंकि जॉब करता हूँ ना, नौकरी है तो नौकरी में पेंट शर्ट ज़रूरी है। ये तो जुम्मे के जुम्मे हम सुहागमीज पहननी पड़ती है, जुम्मा पर पढ़ना होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे, नात या कोई शायरी कुछ भी? अभी तो फिलहाल कुछ भी जेन में नहीं है क्योंकि तो सुना दे, ऐसे तो ना करें। अब चले वही एक
याद है तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी? ठीक है शुक्र। की नाम है तड़ा? बशीरा। बशीरा कितों आई है? चुंगी तो। चुंगी तो की लेना है बाजार? बाजार मैं तो किसे मिलन आई है। मिलन आए हो? किनू मिलन आए हो? जिन्हों का काम कार नहीं। अच्छा, किसे कार काम कर दे हो? इधर शॉपिंग शुपिंग कर ली? नहीं। क्यों नहीं की थी? गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? चीज़ा महंगी हो गई इसलिए? चीज़ा भी महंगी हैं तो कार भी किराया तो महंगी नहीं लै सकते। बेटा ताड़ा नहीं है? हस्बैंड वगैरह बच्चे नहीं है? बंदा नहीं है, बच्चे मेरे है ने। बंदा मेरा फौत होया। बच्चे माशाल्लाह काम नहीं करते है? करते नहीं, शादी शुदा ने गे, वो खुद बच्चा ले। मां नु नहीं संभाल दे? संभाल दे, क्यों नहीं संभाल दे। हां जिन्ने जो मां किन्ने बच्चे है, किन्ने बेटे है ताड़े? पांच। माशाल्लाह पांच पुत्र, एक एक भी सूट लै के देन ते ताड़ी तो ईद लग गई। देंदे ने लै के जिन्ने जोगे हो गए ने, सारा कुछ कर दो अपने बीवियां बच्चों ने खर्चे पूरे कर, मां नखरे वहाए तो फिर नौवा किस तरह रहा? नहीं नहीं, मामा तो फिर मामा ही होंगे, मामा ठंडिया छावा। वो तो फिर ठीक है, जो मां ने नहीं बच्चों का ख्याल करना तो फिर किन्ने करना है? एवें दियाँ मामा होनी चाहिए सारिया दियाँ। अच्छी फिर मां ने ही बच्चे का सोचना है। बिल्कुल, आमदन वेख के पुत्रा नखरे वहाने ना, जी असं उन्होंने अच्छे काम सिखाए हो, अच्छे काम दिते हो, फिर ही उन्हें सू पुछना। सुन लो नुमो जिड़ियाँ ससान पैड़ा कहदियाँ। शुक्रिया माँ जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आइज़िक। आपका? वाइस। ये क्या था, आइस? नहीं वाइस। वाइस हाँ। और आपका आइस? जी। किसने नाम रखे हैं आप लोगों के? मम्मा पापा ने। मम्मा पापा ने। कितने बहन भाई हो? तीन। तीन बहन भाई, एक बहन है, दो भाई हो। किसके साथ बाजार आए हो? मामा पापा के साथ। मामा पापा किधर है? वो दूसरी साइड पे हैं। इधर से आ गई हैं। क्या क्या खरीदा? मैंने अपने कपड़े लिए हैं। कितने सूट लिए? एक ही। एक ही लिया है, क्यों? हमारी ईद एक ही होती है, एक दिन ही होती है। जी। रोजे रख रहे हो? जी। माशाल्लाह, आपने क्या क्या खरीदा? क्या? मैंने भी जूती और पैंट कपड़े। आगे हो जाओ भाई के साथ। क्या क्या खरीदा है? कपड़े और जूती। कितने सूट लिए? क्या ये एक 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 सूट। कितने साल के हो? क्या मैं फिर 14 साल का हूँ। 14 साल के हो, माशाल्लाह। हाइट आपकी अच्छी है, किस पे गए हो? पापा पे। पापा पे। मामा की हाइट लंबी है कि छोटी है? मामा की भी लंबी है। पापा की भी हाइट लंबी है। अच्छा, ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई? हाँ। नाना ने भी ले लिए चीज़ें? हाँ। मामा बाबा ने? हाँ। महंगी मिली सस्ती? क्या चीज़ें? वो बार्गेनिंग करने से सस्ती हो जाती हैं। सही है। अच्छा, मुझे कोई पोइट्री सुना दो, कुछ गाना शाना, कुछ शायरी। ए तू ऐसे आती है? हाँ। आप सुनाओ पोइट्री सुना दो, शायरी सुना दो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। एक सुना दे। सुनाओ, बोलो भाई। भाई आपका, भाई आपका कह रहा है आप पोइट्री अच्छी करते हो। ना दिल होता ना दिल होता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हसीन होते, ना दिल आप पे फिदा होता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा, क्या काम करते? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। वाह, अच्छा काम चल रहा है। हाँ जी, अच्छा, शुक्र है मालिक का। ईद की शॉपिंग कर ली है? हाँ जी कर ली, कुछ रह गई, कुछ कर ली। क्या क्या खरीदा है? बस अभी तक तो ये है कि कपड़े लिए, दर्जी को दिए, टेलर को, शूज रह गए, वो बस आखिरी दिन लेंगे, चांद रात। चांद रात को लेंगे? वो महंगे नहीं आएंगे? नहीं, चांद रात को तो सस्ते आएंगे, 12 बजे के बाद। अच्छा, 12 बजे के बाद सस्ती चीज़ें हो जाती हैं। अभी महंगी दे रहे हैं? जी अभी महंगी। अभी महंगी क्यों दे रहे हैं? नहीं अभी तो महंगी, बस कुछ महंगी दे रही हैं, मैंने लेनी चांद रात को है। अच्छा सही है, उससे पहले पहनने को दिल ना कर पड़े। जी ऐसे ही है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई शायरी, कोई सिंगिंग, कुछ भी? शेर आपको मैं सुनाना चाहूँगा कि चलो चलो तुम साथ चलते हो समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। कुछ ख्वाब सुहाने टूट गए, कुछ यार पुराने रूठ गए, कुछ दाग लगे थे चेहरे पर, कुछ अंदर से हम टूट गए, कुछ आदत के थे हम सादा, कुछ
कुछ लोग सियाने लौट गए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने लोगों के जवाब बात सुने और लोगों का कहना ये था कि ईद की शॉपिंग तो की लेकिन लोगों ने छुरे निकाले हुए थे, जो कि बहुत ही महंगी चीज़ें दे रहे हैं आम दिनों के मुकाबले में। और उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।